नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज में, हूँ आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। जबलपुर में नगर निगम चुनाव में मतगणना के बाद प्रत्याशियों की जीत के बाद जश्न का सिलसिला जारी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री अंचल सोनकर ने बेटे राम सोनकर को मदन मोहन मालवीय वार्ड क्रमांक 52 से पार्षद प्रत्याशी के रूप में टिकट दी गई थी। वही मदन मोहन मालवीय वार्ड से अन्य प्रत्याशियों को करारी शिकस्त देते हुए राम सोनकर ने जीत दर्ज की है। जीत के बाद उनका कहना है कि क्षेत्रीय नागरिकों के द्वारा उन्हें मत के रूप में अपना आशीर्वाद जिस प्रकार से दिया है, वे पूरी ईमानदारी के साथ क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करेंगे और क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान उनके द्वारा किया जाएगा। नगर निगम द्वारा जो भी सुविधाएं नागरिकों को मिल सकती है, वे आम नागरिकों तक उन सुविधाओं को पहुँचाएंगे जिससे कि आम नागरिकों की मदद हो सके। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जी, आज क्षेत्र की जनता ने, वार्ड की जनता ने मुझ पर आशीर्वाद बताया और मुझ पर सहयोग किया और मुझ पर आशीर्वाद देने का सहयोग किया। साथ ही साथ युवाओं ने भी मुझे मौका दिया। मैं अपनी क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, युवा साथियों को भी और कार्यकर्ताओं को भी। जी, मेरी प्राथमिकता यही रहेगी जो मेरा वार्ड है जबलपुर में नंबर वन वार्ड बने और जो वहाँ पानी भरता है वो समस्या का हल करूँगा। आज जनता ने आशीर्वाद दिया है राम सोनकर को, छः वर्षों से पूरी जनता उनके साथ थी। उनके आने वाले समय में क्या कार्य ऐसे करेंगे जो जनता उनके बीच में रहे? देखिए, जनता चुनाव जिताती है, जब कोई पार्षद के लिए खड़ा होता है या विधानसभा के लिए खड़ा होता है या लोकसभा के लिए खड़ा होता है, जनता ये उम्मीद लगाती है कि हम आपको चुनाव जिताए हैं तो आप खड़ा उतरो। जनता का जो भी काम होता है, जनता उल्टांग काम बताती नहीं है। जनता ये बोलती है, अरे जैसे नगर निगम में एक पानी का हो गया, एक नाली का हो गया और एक साफ सफाई का हो गया, बिजली का हो गया, रोड का हो गया, ऐसे बहुत छोटे छोटे समस्या रहती है। अगर उसमें हमारा पार्षद ठीक से काम कर लिया तो कोई हराने का पैदा नहीं हुआ है। तो और जो आप बता रहे हमारी रोड खम्मा, हम वो लगवा देंगे। और भाजपा की बहुत ही अच्छी सीटें निकली हैं, तो इसमें आपको कितनी खुशी हो रही है कि और नहीं? खुशी तो बहुत हुई है, पर दुख भी हुआ है। हमारे महापौर जी हार गए तो उसमें मेरे को दुख हुआ है कि हमारे महापौर जीते होते तो क्षेत्र का बहुत विकास होता, काफ़ी विकास होता। तो इसलिए थोड़ा सा विकास तो हम लोग करवाएंगे, पर अभी कितने विकास करा सकते हैं महापौर जी, ये तो वही जाने। अब हम लोग तो विकास के लिए काम करेंगे और करते रहेंगे। जितने हमारे पार्षद जीते हैं सब विकास के काम करेंगे और करते रहेंगे। कि हम लोग का यही रहेगा उपदेश कि जितने हमारे पार्षद जीते हैं सब विकास के काम करें और अच्छे वातावरण में सबसे अच्छा व्यवहार बनाएं और सबसे अच्छे तरीके से बात करें। जो भी काम हो वहाँ उनको बात करके वो काम निपटाएं। ऐसी खबर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।